अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे। तो गर्मी बहुत पड़ने लगी है तो हमने सोचा आज वीकेंड था, संडे था, तो बच्चों के लिए पूल डे करते हैं। सो पूल निकाला, उसको फिल किया और पानी मतलब टब में भरना शुरू किया। और अभी आप देख रहे हो पानी सही से फिल भी नहीं हुआ कि बच्चे बीच में घुस के ना अपना खेलना शुरू हो गए। जहाँ हमारी थोड़ा सा हुआ वहाँ पे बच्चों के साथ दो और बच्चे, बड़े बच्चे भी बीच में बैठ गए कि हम भी तब तक फ़ोटो शूट कर लें एक दूसरे का, वन बाय वन करके ये लोग शूट करेंगे। तो ताकि भाई वो भी पूल डे बच्चों के साथ मना रहे हैं, उनके पास भी कोई मेमोरी सेव हो जाए। यहाँ पे सॉरी, हम मुझे खुद दो दिन से बहुत बुरा फ्लू लगा हुआ है, गर्मी का फ्लू। तोबा, एक दफ़ा लग जाए ऐसे ही, पता नहीं कैसे लग गया। खैर बहुत बुरा लगा, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, दुआ करना जल्दी फ़र्क पड़ जाए। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, दोनों ने एक दूसरे का शूट किया। फिर हमारी छोटा वाला, सबसे घर का सबसे छोटा सा मुन्ना सा काका भी आ गया, मेरा, उसका भी शूट करने लगे। हर कोई पहले शूट करता है फिर उसके बाद इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जी पहले शूट हो रहा है, बाद में बाकी जो बच्चे हैं वो अपना खेल खुल रहे हैं। मूसा थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता था क्योंकि मूसा को होता था मेरे कपड़े हो गए गीले। मूसा बार बार कहते मेरी निकट गीली होगी उतार दो। इब्राहिम भी यूँ कर रहा था, मैंने कहा बेटा गीली है, गीली में ही खेलना है। पर खैर बड़ी मुश्किल से समझा रहे थे। तो यहाँ पे पिक्चर्स हो रही हैं, राहिम है अपने या पूल में बैठा भी अपनी गाड़ियाँ पकड़ के। इतना ये गाड़ियों का स्कूल लड़के को क्रेज़ है ना कि पूल में बैठा भी कार्ड्स पकड़ के ना उनके साथ ही खेल रहा है। पहले खेलता रहा है, जैसे टॉयज़ आए हैं फिर उसके साथ टॉयज़ के साथ शुरू हो गया कार्स एंड प्लेन्स। उनको ना अपने बाय रोड चलाने लगे, इसलिए अपना रोड कहीं भी बना लेता है और शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे पीछे का जितना भी मैसअप है ना उसको प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि छत पे सिर्फ हफ्ते में दो दफ़ा ही चक्कर लगता है, वो भी जब कपड़े वॉश करने होते हैं तभी छत को क्लीन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ है। और नॉर्मली यही होता है छतों पे, जब इंसान का चक्कर लगता है वॉशिंग के लिए तभी ही वॉश होती है, अदरवाइज ऐसे ही। ज़ाहिर ओपन स्टोर रूम भी है तो इसलिए मेस क्रिएट हुआ है। सो प्लीज़ इग्नोर इट। हम यहाँ पे फूल के मज़े ले रहे हैं, आप भी वीडियो देख के फूल के मज़े लें। यहाँ पे चल रहा है शूट, मिरहा का स्पेशल शूट चल रहा है, क्योंकि भाई पहला बच्चा जब हो ना मतलब घर में तो उसका शूट बहुत स्पेशली दिया जाता है। मिरहा पहले से मुराद मिरहा का फर्स्ट पूल डे था, बाकी बच्चों ने तो फिर भी पहले पूल डे बनाया ना, तो इसीलिए वो फर्स्ट उसका था। तो बड़ा अच्छे से उसका शूट किया, बाकी भी किया। ये राहिम ने पिक्चर्स बनवाता, ये बड़ा वो कहता है खप वाला बच्चा है, इसको सीधा करो पिक्चर बनवाने के लिए, भाग जाएगा, रोने लग जाएगा, इधर उधर मुँह कर लेगा, ये नहीं बनवाता। तो यहाँ तो इब्राहिम और मूसा ने भी इतनी अच्छी नहीं पिक्चर्स बनवाई, आप देख ही रहे हो, मतलब फ़ौरन से आंखें नीचे करना या मतलब इधर उधर भाग जाना, उन्होंने ये था कि हम पूल में भागें और पूल में खेलें। तो यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं, बच्चों के साथ जो बड़े बच्चे हैं वो भी खेल रहे हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर पानी वगैरह मतलब फेंक के खेल रहे हैं, ये पूल के अंदर बड़े मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे छोटे वाले भी और बड़े वाले भी, आप लोग देख ही रहे हो। सो यहाँ पे ना हम लोग पूल के बच्चों को कहीं भी बाहर लेके जाओ, किसी फार्म हाउस पे या कहीं किसी पार्क में, तो बच्चों के लिए स्पेशल स्पेसेस होती हैं, पर वो ये है कि डेंजर्स होता है घर में, पता ना पूल में अपने साफ़ सुथरा पानी है, बच्चे अपने हैं, सुकून से इजी हो गए, बच्चों के साथ खेल लिया, प्ले कर लिया, उनको इंजॉय करा दिया, पिक्चर्स वगैरह अच्छे से क्लिक कर ली, इसलिए बच्चों के लिए घर में ही पूल डे बना दिया, घर में ही खेले कूदे। खुद कहीं बाहर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, कभी हमारे प्लान ही नहीं बनते, बने तो एकदम सडनली वाले प्लान बनते हैं, पहले से कभी भी हम कोई भी प्लान सोचे ना हम ये प्लान करते हैं ऐसा करने को, तो वो मिजाल है कभी हमारा कभी पूरा हो जाए। कभी भी हमारे प्लान नहीं पहले से प्रॉपर बनाया तो प्लान नहीं हमारे साथ है। इस भाई साहब को देखो, दुनिया बाढ़ में जाए, दुनिया डूब जाए, दुनिया मर जाए, पीछे दुनिया इंजॉय करे, ये अपनी गाड़ियाँ चला रहा है। इसको जब कार्स नहीं थी तो खेल रहा था अच्छा खासा, लेकिन जब टॉयज आए कार्स आई तो इसने हर जगह अपना पुल बना के ना ब्रिज बना के अपना खेल रहा है, रोड अपनी बना के सिर्फ गाड़ियों के साथ। जिसको देखो सारे खेल रहे हैं, जब जब ये वीडियो में नज़र आएगा ना ये अपनी कार्स के साथ और खेल रहा वही नज़र आएगा सिर्फ टॉयज के साथ। यहाँ पे मम्मा ने कहा छत पे तो तुम लोग जा ही रहे हो तो कपड़े ले जाओ, कुछ श्रिंग होने वाले पड़े हुए थे तो हम ले गए श्रिंग करके छत पे डाल दिए कि जब तक ये लोग बच्चे खेल रहे हैं तब तक श्रिंग हो जाएगा। अच्छा मैं कहा थी हाँ कि हमारे कभी प्लान नहीं बने, मैं ये बात कर रही थी। हमने एक दफ़ा जाना था उसमें नॉर्थन एरिया में, तो हम मतलब दो महीने से प्लान हो रहा था करेंगे मतलब जाएंगे प्लान कैंसिल, कुछ ना कुछ मसला आ जाता था कैंसिल। और जिस दिन हमारा निकलना हुआ उससे लिटरली एक दिन पहले अचानक माइंड बना के छुट्टियां आ रही हैं दुकान से, हमारा जाना ही तब होता है जब दुकान की दो तीन दिन छुट्टियां आती हैं फिर कहीं निकला जाता है, तो क्योंकि सारे घर होते हैं भाई पापा वगैरह फिर ही प्लान बनता है।
अच्छा अचानक प्लान बना कि छुट्टियां आ रही हैं, चलो कल निकलते हैं, या मतलब मेरे ख्याल से आज रात निकलते हैं, ऐसा कुछ प्लान बना और फिर हम गए। पहले से हम प्लान करें तो वो नहीं बनता, अचानक से हमने कहीं प्लान बनाया, चलो अभी निकलते हैं, चलो रात को निकलेंगे, ऐसे जाया जाता, नहीं तो नहीं। इसी तरह बहुत मुश्किल होता है। अब ये पूल डे का भी काफ़ी दिनों से कह रहे थे कहीं बाहर जाएंगे किसी पार्क में या कोई फार्म हाउस वगैरह में, चलते हैं तो खुद तो गए नहीं, तो मैंने कहा चलो बच्चों को ही पूल डे बच्चों का ही करा दें घर में, कुछ तो कर लें बच्चों के लिए, तो अपना भी प्लान बनाएंगे। अभी तो गर्मियाँ बहुत पड़ी हैं, मतलब गर्मी काफ़ी लंबी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे एक भाई साहब हो गए थे गायब, तो ये जो दूसरे थे ये तो बच्चों से भी ज़्यादा देख रहे हो किस तरह लेट लेट के मजे ले रहा है। ये पूल बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें बड़े बंदे भी आप लोग देख रहे हो, बड़े दो बैठे हुए थे, फिर छोटे बच्चे थे, बहुत अच्छा खासा मतलब इसमें स्पेस है, बड़े छोटे सही इंजॉय कर सकते हैं। ये पूल ना हमारा कोई है 4 साल पुराना, इब्राहिम की फर्स्ट बर्थडे मैंने थीम उसकी रखी थी, शार्क वाली बेबी शार्क थीम रखी थी, तो मैंने तब ये पूल लिया था और इस पूल में उसके केक कटिंग की थी, क्योंकि मैंने कहा चलो शार्क वगैरह है, फिशेज आए, तो हमने अपनी थीम से मैच करने के लिए ना पूल के अंदर केक कट किया था। इसकी फर्स्ट बर्थडे ऐसे की थी कुछ चेंज करने के लिए। तो उसके बाद तब तो इसे इतनी सेंस नहीं थी, लेकिन पानी में तब भी इसने इंजॉय किया। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, अगले साल मतलब गर्मियों के गर्मी में जाहिर है निकालते हैं। यहाँ पे मूसा ना कांप रहा था क्योंकि क्या कहते हैं पता नहीं क्यों, हालांकि ऊपर पंखा चल रहा था, मैंने पंखा बंद कर दिया था। मैंने अपने घर ना पूल डे नहीं किया क्योंकि ना मेरे घर छत पे ना धूप बहुत ज़्यादा है, मतलब धूप सूरज निकलता है ना तो जब तक सूरज नहीं ग्रूप होना छत पे धूप रहती है और पानी मेरा बहुत गर्म आता है। मैंने बताया ना धूप रहती है टैंकी पे, धूप लग लग के ना फुल गर्म पानी आता है, तो इसलिए मैंने कहा मम्मा के घर टप वगैरह लेके जाते हैं, उधर बच्चों को करवाते हैं, क्योंकि उनकी ना छत पे हाफ शेड है, शेड के नीचे ना उन्होंने वो ग्रीन कलर का कुछ शेड टाइप है वो बनवाया है, उसके नीचे ना बच्चों का वो पंखा भी लगा हुआ है, तो पूल वहाँ पर रख लेते हैं और उनका पानी भी ठंडा आता है, मेरी तरह पानी उनका गर्म नहीं, क्योंकि उनके शेड के नीचे टैंकी आ जाती है इसलिए उनका पानी भी ठंडा है। तो यहाँ पे ये सारे खेरे इसलिए ना शायद उसको सर्दी लग रही थी, हमने पंखा चलाया था, पंखा भी मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे वन बाय वन करके सारे जंप कर रहे हैं जी, हम अब जंप करें। ये राहिम को देख रहे हो, इसके हाथ में कार, ये भी अपने टॉयज छोड़ ही नहीं रहा, तो लिटरली अब ये इसने जंप करना है टॉयज हाथ में पकड़ के। तो इसके मामू कहते हैं मैं सारों को कराता हूँ वन बाय करके जंप, यार लास्ट में इब्राहिम को भी सर्दी लगने लगी थी, तो मैंने कहा चलो बच्चे चलते हैं, वो भी नहीं नहीं अभी और खेलना ये करते करते, मैंने कहा नहीं कल फिर करेंगे चले। तो यहाँ पे अब ये तीनों को, अब बाकी तीनों बेचारों को मौका मिला है कि ये तीनों खुल के खेलें, खुल के खेलना क्या, राहिम अपना कार्ड्स के साथ लगा हुआ, ये लोग अपना लगा। अच्छा यहाँ पे जब मैंने इब्राहिम के घुटना जो है वो जमीन पे थोड़ा ना हार्शली लग गया और आ करके रोने लग गया कि मेरा घुटना लग गया। मैंने कहा कोई बात नहीं होता है, आपने उसने असल में ना इब्राहिम ने अपना ना लेग को बेंड कर दिया जंप करते हुए, जिस वजह से उसका घुटना लग गया। अब ये इसके मामू ने भी जंप कर दी, भी मैं भी बीच में आ गया उसको खिलाने के लिए कि नहीं चलो बच्चों उसका दर्द अपना भूल के ना खेलने लग गए। तो यहाँ पे अभी भी ये सारे खेल रहे हैं। दूसरे मामू उसका नीचे भाग गया था कि नहीं मेरी बात हो गया, मैं चलता हूँ, मैं चेंज करूँ, शॉप पे जाऊँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जो। तो मैं बच्चों के साथ लगी हुई थी, मूसा बाहर आ गया था ना, मैंने बताया ना उसे सर्दी लग रही थी। यहाँ पे इनकी होगी लड़ाई टॉयज से कि जी ये मैंने लेना। इब्राहिम ने जो राहिम के हाथ में ना वो ही खींचना है इब्राहिम ने कि मैंने यही टॉय लेना है, और वहीं से वो चीखे मारेगा, इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये मेरा टिड्डा साहब कहता जी मैंने बाहर आना, तो बाहर हमने निकाल दिया था। मिर्हा भी आ गई, मिर्हा अपना खा पी ने पेट फुल करके मिर्हा चली गई थी, मिर्हा का लंच ब्रेक हो गया था, मिर्हा लंच ब्रेक करके वापस आ गई। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा आके कहते हैं बीच में वीडियो में बस इतना ही ऐड किया, बाद में वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैं भी अंदर काफ़ी अच्छी सारे खेल खुलती रही बच्चों के साथ। मतलब ना स्पेस बहुत है यहाँ पे, भी टांगे रख ही हैं, तो इब्राहिम मूसा आ गया टांगों के ऊपर कि मुझे झूले दो, मैं कह लो जी आज झूले ले लो। और इसके मामू ने अपना ही शावर चलाया हुआ था पाइप से कि जी आज बच्चों को इसके अंदर खेल लो। बच्चे फिर उधर भी मतलब यही है इंजॉय, कुछ ना कुछ एक्टिविटी बच्चों को मिलती ही रहे खेलने के लिए भी। तो ये पूल में भी साथ साथ कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही थी, खेल रहे थे। इसके बाद हमने रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर मैं भी घुस गई, मैंने भी बच्चों के साथ काफ़ी किया, बड़ों ने बड़ा इंजॉय किया भाई, हमारे बड़े ही एक दूसरे पे पानी वगैरह फेंकते रहे हो, आप रिकॉर्डिंग में देख ही रहे होंगे किस तरह बड़े लगे हुए थे, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। उसके बाद हमने कहा नहीं ये तकरीबन 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे ये सब लगा ही रहा है कि मतलब आराम आराम से पहले बड़े पानी का असल में था ना पूल बड़ा होने की वजह से ना ये टाइम लेता है, इसको पानी फिल होने में टाइम लेता है। तो पानी अभी हमारा खेल भी रहे हैं 2 घंटे से पानी चल रहा है, लेकिन अभी भी टब हाफ ही हुआ है,
इतना मतलब पानी भी कुछ इसी तरह पाइप में थोड़ा 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 आता है, टाइम लगता है उसको फिल होने में। सो यहाँ पे जब फुल हुआ उसके बाद थोड़ी देर बच्चों ने, मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी ही बनाई थी, मतलब ये जितनी आप देख रहे हो इतनी है, इसके अलावा भी सारे बच्चे तो खेलते ने डेढ़ दो घंटा नहीं सॉरी ढाई तीन घंटे खेलते ना, रिकॉर्डिंग मेरी सारी 12 मिनट की है। उसके बाद ये मूसा का जो इब्राहिम की फेवरेट जो है ना मिर्हा है, इब्राहिम को बहुत अच्छी लगती है। इब्राहिम ने सारे बच्चों को मारना है, मिर्हा को बिल्कुल नहीं मारना, मिर्हा के साथ खेलना है, मिर्हा से प्यार करना है, मिर्हा के लिए चीज़ें लानी है, मतलब बाकी किसी के साथ इसे इतनी मोहब्बत नहीं, ना अपने भाई के साथ ना राहिम के साथ, तो इसकी दुश्मनी चल रही है। फिर देखा ऐवें उसको चलते फिरते मार देगा, उसके साथ तो इसका पता नहीं कौन सी इनका है आपस में ये चलता रहता है। यहाँ पे मूसा थोड़ा सा खुल गया है, काफ़ी देर हो गई थी ना तब वो खुल गया कि मैंने ऐसे खेलना, उससे अंदाज़ा हो गया। तो इब्राहिम की जब आंखों में पानी जाता था तो आ जाता था मम्मा मुझे स्विमिंग क्लासेस दे दो स्विमिंग क्लासेस, तो ये पहन के फिर अब अपना अकेला लेट लेट के कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, करो बेटा करो, इसीलिए तो पूल बनाया कि आप स्विमिंग करो, लेट के सीधे लेट के उल्टे लेट के खेलो। तो इब्राहिम इसको देख के वो भी कोशिश कर रहा था, लेकिन टॉयज नहीं छोड़ने हैं, वो तो हमने छोड़ने ही नहीं, कि इब्राहिम को डर है मैंने छोड़ दिया तो इब्राहिम ने मेरे हाथ से खींच लेना है, इसलिए टॉयज तो छोड़ने ही नहीं है। सॉरी हाँ मैं रिकॉर्डिंग कर सॉरी वॉइस ओवर कर रही, तो ये पीछे इब्राहिम आके ना वो भी शुरू हो गया। तो एवं ये इब्राहिम ना शोखा बनता रहता है, दादा बनता रहता है इब्राहिम को, वो देखो अभी भी इसको बेचारे को मारती है। यहाँ पे अब खूब सारा खेल फिल के थक हार गए, अब देखो बड़ा मामू भी चला गया, सारे निकल गए पीछे मुझे अकेली को छोड़ के बच्चों के साथ। बच्चों के साथ तो वो ठीक है, लेकिन पता था ना अब खेल खुल लिया है, अब पूल को खाली करना है, और फिर ज़्यादा पूल खाली होगा पूरी छत पे पानी आ जाएगा, सारे भाग भूग गए खुद ही लगे रहेंगे। लेकिन फिर इसके जो मामू थे वो आ गए, उन्होंने साथ हेल्प कराई, पूल वगैरह हमने खाली किया, पूरी छत पे पानी पानी हो गया, तो ये पूल उल्टा गया, तो ये बच्चे अंदर गए, अंदर भी खेल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं भी अंदर आके रिकॉर्डिंग करूँ, इब्राहिम कहता है अंदर आके ना ये बंद कर दो मम्मा हम खेल रहे हैं, हमने घर बनाया हुआ है। मैंने कहा अच्छा उल्टा उल्टा अंदर ही अपना घर बना के बैठे हुए थे। फिर हमने पूल के सारा वो प्रेशर वगैरह निकाला, उसकी हवा निकाल खुल के इसको तार पे उल्टा करके ऊपर से सारी छत की सफाई कर करके, इब्राहिम कह रहा मैं सोने लग गया मम्मा घर जाओ आप। मैंने कहा अच्छा, सफाई कर कुर के हम फारिग होके फिर आ गए नीचे। तो ये थी हमारे आज का व्लॉग, मैं उम्मीद आपको पसंद आया हो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय, सी यू।